जो इस्लामिक कट्टरपंथी या कोई भी ये कह रहा है कि देश हिंदू राष्ट्र न था न है न रहेगा, उसको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। देश हिंदू राष्ट्र उसी दिन हो गया था 14 अगस्त 1947 को, जब मजहब के आधार पे पाकिस्तान बना तो ये भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। अब अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र उस समय हुआ, लेकिन अब आवश्यकता है घोषित कराने का, और उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए देश के तमाम संत महात्मा राष्ट्रभक्त प्रयास कर रहे हैं कि संसद से मुहर लगे, ये देश हिंदू राष्ट्र हो, ताकि देश में समान नागरिक संहिता हो, ताकि देश में गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जा सके, ताकि बिहार और झारखंड में जो हमारे सरकारी विद्यालयों को मदरसा के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया वो न हो, ताकि देश गजवा हिंद न बनने पाए, ताकि देश हिंसा से बचे, ताकि देश आतंकवाद से बचे, ये बहुत जरूरी है। और ताकि कोई भी जो बंदे मातरम नहीं बोलता है, कोई भी जो देश से गद्दारी करता है, उसको यहाँ से पाकिस्तान बांग्लादेश और मुस्लिम देशों में भेज दिया जाए, उसकी पूरी व्यवस्था हो रही है। हिंदू राष्ट्र में ये होगा, यहाँ रहने वाले तमाम राष्ट्रभक्तों को बिना भेदभाव का, चाहे किसी भी जाति मजहब का हो, सबको समान अधिकार रहेगा। तो ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में किसी से भेद नहीं होगा, सभी राष्ट्रभक्त होंगे। तो इसलिए जो ये कह रहा है वो कहीं ना कहीं वो इतिहास को नहीं जानता है, और कहीं ना कहीं वो अपने आंखें बंद कर रहा है, इसलिए वो छोड़े। और सभी लोग, और ख़ास तौर से मदनी जी ने तो महाराज मनु को जिस प्रकार से अपने पूर्वज बता दिया, तो स्वाभाविक है कि मनु जी महाराज तो सनातनी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो देश में रहने वाले सभी मुसलमान भी सनातनी के संतान है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए आप भी प्रयास करना चाहिए, आप भी हिंदू हुए और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति तो हिंदू है ही है, तो इसलिए जरूरी है हिंदू राष्ट्र के लिए सभी लोग मजहबी भेदभाव भूल करके हिंदू राष्ट्र के लिए आए और इसका विरोध न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।